एक लेक जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन साथ ही वो बहुत खतरनाक भी है। उस लेक का नाम है लेक नेट्रॉन, जो कि उत्तरी तंजानिया में मौजूद है। इस लेक को लोग जॉम्बी लेक भी कहते हैं। इसके बारे में लोगों को 2013 में पता चला जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रांट यहाँ पहुंचे। इस लेक के पानी में कुछ ऐसा मौजूद है कि जब भी कोई पशु या पक्षी इस पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो पत्थर का बन जाता है। इस लेक के आसपास कई पशु पक्षियों के मूर्ति देखने को आपको मिलेंगे जो इस लेक के पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से वैसे बन गए हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा इजिप्ट में लोग मम्मी को रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो भी पशु पक्षी उस पानी के कॉन्टेक्ट में आते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। इस लेक के पानी में ऐसा क्या मौजूद है कि यहाँ पे पशु और पक्षी पत्थर के बन जाते हैं? तो इस लेक का पानी का पीएच करीब करीब 12 है, जो हमारे घरेलू ब्लीच के बराबर है। जो पानी आम लेकों में मौजूद होता है या जो पानी हम पीते हैं उसका पीएच 7 होता है। पीएच एक केमिस्ट्री फैक्टर है जो कि किसी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताता है। इस लेक का पानी इतना खारा है कि कोई भी पशु पक्षी यहाँ जीवित नहीं रह सकता, लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो यहाँ रह सकता है और लाखों की संख्या में हर साल वहाँ जाता है, फ्लेमिंगो। समय के साथ नमक की इस झील ने आसपास के पहाड़ियों से सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिज पदार्थों को नेट्रो कार्बोनेट में खींच लिया, जिससे इस लेक का पानी अल्कलाइन हो गया। इस लेक का पानी इतना ज्यादा खारा है कि कोई भी लिविंग बॉडी जब इस पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो डिकम्पोज होना बंद हो जाती है और प्रिजर्व हो जाती है किसी मम्मी की तरह। आज के अपडेट्स में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किताब से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।